हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर टू, ग्रोइंग अप। इन पार्ट वन यू हैव रेड अबाउट द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, मींस कि ह्यूमन कैसे ग्रो करता है अपनी लाइफ में। बट इन दिस पार्ट यू विल लर्न अबाउट द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, मींस हाउ लिविंग थिंग ग्रोज। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। येस, द फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, मीन्स हमारे आस पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं। अब आप सोचेंगे लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। थिंग्स मीन्स वो चीज़ें जो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, मूव, हिलती डुलती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं अपने आप से। ब्रीथ, सांस लेती हैं, एंड रिप्रोड्यूस, और अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म मींस और थिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। रिप्रोड्यूस से मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक सीड होता है वो एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है, मतलब सीड से एक बेबी प्लांट बनता है, बेबी प्लांट से एक बिग प्लांट बनता है एंड बिग प्लांट से एक ट्री बनता है। तो मींस एक सीड जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बर्ड की बात बताएं तो उसमें बर्ड जो है वो एग से बनता है। पहले एक एग होता है, एग हैच करता है, टूटता है और उसके अंदर से एक बर्ड निकलता है। ऐसी सेम एज इट इज़ एनिमल्स के भी होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो ग्रो कर सकती है, मूव कर सकती है, ब्रीथ, सांस ले सकती है एंड रिप्रोड्यूस करती हैं, उन्हें ही हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ अ सीड चेंजेस इनटू अ ट्री। कैसे एक सीड जो है वो ट्री में चेंज होता है। All living things grow as time goes by. सारी living things, मैंने आपको बोला है कि living things grow करती हैं। ठीक है, तो सारी living things क्या करती हैं, time के साथ grow करती हैं। They too changes in form with age. वो भी अपनी एज के साथ क्या करती हैं, अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं। फॉर्म मतलब उनके जो शेप होती है उसमें चेंजेस आती हैं, उनकी लेंथ में चेंजेस आती हैं, तो वो चेंज होती है। अ प्लांट इज़ यूजली बॉर्न फ्रॉम अ सीड। एक जो प्लांट होता है वो किससे बढ़ता है, एक सीड से। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्लांट जो होता है वो सीड से पैदा होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, पहले एक सीड था, सीड किस में कन्वर्ट हुआ, सीडलिंग्स। जब हम उसे पानी दिया, ठीक है, उसकी रूट बनती है, ठीक है, उसे सनलाइट मिलती है, ठीक है, उसे सॉइल मिलती है, सॉइल के अंदर वाटर होता है, उसे वहाँ से भी वाटर मिलता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, सीडलिंग में। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद वो किस में चेंज होता है, स्मॉल प्लांट में। ठीक है, इसमें देखो, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ और देन वो क्या बन गया, बिग ट्री। ठीक है, तो ऐसे ही सीड जो होता है वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, उसकी ग्रोथ की प्रोसेस है। ठीक है, जिससे हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, हाउ एन एग चेंजेस इनटू अ हेन। कैसे एक एग जो होता है, अंडा जो होता है, वो हेन में चेंज हो जाता है। लुक एट द टाइनी एग्स ऑफ अ हेन। इट हैचेज इनटू अ स्मॉल चिक एंड देन इट ग्रोज इनटू अ हैन। आप देखो, पहले अंडे होते हैं, ठीक है, और अंडों से ही क्या होता है, इन छोटे छोटे अंडों से हैन निकलता है। ठीक है, हैन बनता है, पर होता क्या है, सबसे पहले जब अंडे होते हैं, अंडे टूटते हैं, उसके बाद उसमें से छोटा एक सा चिक निकलते हैं, मतलब चिक्स होते हैं, जैसे आप देखिए इसमें चिक दिखा रहा है ना। फिर उसके बाद वो चिक जो होता है वो बड़ा होके एडल्ट चिक बनता है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक बिग हैन में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, प्रोसेस है कि कैसे एक एग में से क्या होता है,
एक हैन बनता है, मतलब एक एग जो होता है वो धीरे धीरे एक हैन के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको टू थिंग्स बताई, ठीक है, एक प्लांट के, एक सीड के बारे में कि सीड एक ट्री में कैसे चेंज होता है, और दूसरा है कि एक एग जो है वो हैन में कैसे चेंज होता है। तो थैंक यू चिल्ड्रन, स्टे सेफ एट योर होम, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।